अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। चलिए तो हम बनाते हैं महाराष्ट्र स्पेशल मिसल पाव। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन में 2 गिलास पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और ये मटकी है, मैंने पूरा दिन भिगो के रात को इसको ऐसे ढक के रख दिया था ताकि इसमें स्प्राउट आ जाए। और इस मटकी को हम अच्छे से उबाल लेंगे। जो पानी गर्म करने के लिए रखा था हमने उसमें मटकी को डाल दिया है। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और थोड़ी सी हल्दी आधा चम्मच। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे बॉईल करने के लिए रख देते हैं। कुछ इस तरीके से एक 10 मिनट के बाद इसमें बॉईल आया है अच्छे से, आप देख सकते हैं। साइड में रख देते हैं, तब तक हम मसालों की तैयारी करेंगे। मैंने यहाँ पे सूखा आधा नारियल लिया है। कुछ इस तरीके से हमें इसको पतला पतला काट लेना है और अब इसको हम भून लेंगे कढ़ाई पे। 5 से 6 मिनट हमें इसको भूनना है, चम्मच चलाते हुए आपको इसको भूनना है। ज़्यादा नहीं भूनेंगे हम, नहीं तो इसका टेस्ट कड़वा लग जाएगा। तो इस तरीके से हमें सूखे नारियल को भून लेना है। ये हमारा नारियल भून के तैयार है। अब हम इसको साइड में कर लेते हैं। इसी कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच तेल ऐड किया है और 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज को रफली काट लिया है लंबे टुकड़ों में। अब हम इसमें ऐड करेंगे। प्याज को सॉफ्ट होने तक और सुनहरा गोल्डन कलर आने तक हमें इसको पकाना है। बार बार चलाते हुए हमें प्याज को अच्छी तरह से पका लेंगे। हम इसलिए पका रहे हैं कि इसका कच्चापन निकल जाए। तो ये देखिए हमारा प्याज 5 से 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। कुछ इस तरह से कलर चेंज होने के बाद मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर रफली चॉप करके डाल दिया है। अब प्याज और टमाटर को हम अच्छे से पका लेंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक हमें इसमें पकाना है। अब यहाँ पे मैंने जो नारियल भून लिया था उसको हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। 5 से 6 कलियां लहसुन की लेंगे और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा। हम इसको अच्छे से एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसकी बिना पानी के हमें इसको पीस लेना है। तब तक प्याज और टमाटर को हम अलग से प्लेट में निकाल लेंगे, थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। हमने नारियल अदरक लहसुन का जो पेस्ट किया है उसी में हम प्याज और टमाटर को ऐड करेंगे और अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे। और उसी पैन में हमें 3 से 4 चम्मच तेल ऐड करना है। तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। यहाँ पे हमें तेल ज़्यादा क्वांटिटी में लगेगा। मैंने 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाल दिया है, करी पत्ता डाल देंगे। साथ ही में हमने जो प्याज टमाटर और नारियल अदरक लहसुन की पेस्ट बनाई थी उसको इस तेल में आराम से छोड़ देंगे और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। तब तक हम देखते हैं कि हमारी मटकी पक गई है या नहीं। तो ये मटकी हमारी पक के तैयार है, देख सकते हैं आप। मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको चेक करके। तो ये देखिए हमारी मटकी अच्छे से स्मैश हो रही है, यानी ये तैयार है पक के। इसको साइड में रख देते हैं। इसको खूब अच्छी तरह से हमें पका लेंगे। फिर इसमें कुछ मसाले हमें ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कांदा लहसुन मसाला 2 चम्मच भर के डाल दिया है। ये खाने में बहुत तीखी होती है। और साथ ही में हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच ऐड करेंगे कलर के लिए और थोड़ा सा गरम मसाला 1 चम्मच भर के हमें डाल देना है। हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिसल हमेशा तीखी होती है तो आप ज़्यादा तीखा इसमें डाल दीजिए और नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल दें। खाने में बहुत ही स्पाइसी और चटपटी रेसिपी है, ये महाराष्ट्र की स्पेशल है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और बनने में बहुत ही आसान है, कुछ ही मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से भुन रहा है। देखिए किनारों से तेल छूटने लगा है। जो हमारी मटकी बनके रेडी थी उसको पानी समेत हमें इसमें ऐड कर देना है।
अगर आपको एक्स्ट्रा पानी चाहिए तो आप गर्म पानी इसमें ऐड कीजिए, ताकि इससे हमें ऊपर तरी आनी चाहिए यानी तेल, इसको हमारे यहाँ पे कट करते हैं। ये रेसिपी ज़्यादा ऑयली ही होती है, देखिए कितनी मज़ेदार चटपटी रेसिपी हमारी तैयार है। 10 मिनट के बाद इसको अच्छे से बॉईल आने लगा है, धीमी आंच पे हमें इसको पकाना है ताकि ऊपर इस तरह से तरी आ जाए। देखिए आप कलर कितना बढ़िया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। बिल्कुल बाज़ार में जैसी मिलती है मिसर, उसी तरह से हाँ ये टेस्ट में लगती है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमारी मिसर बनके रेडी है, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप पानी ऐड कर सकते हैं इसमें, साथ ही में हरे धनिए से हम थोड़ा इसको गार्निश कर लेंगे। चलिए अब हम इसकी डिश आउट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हमें ऊपर कट आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लादी पाव लिया है, बन लिया है, मिसर को कुछ इस तरह से सर्व करते हैं। पहले 2 चम्मच मटकी डाल दें, फिर ऊपर से जो ऑयल है तीखा वो डालना है, फिर बारीक कटी हुई प्याज डाल दें, और जो नमकीन है फरसान उसको डाल दें, साथ ही में ऊपर से हरा धनिया थोड़ा सा डाल दें, और नींबू के साथ आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, और साइड में थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज और हरा धनिया आपकी ज़रूरत के हिसाब से। तो कीजिए एंजॉय संडे स्पेशल, आप इसको ज़रूर बनाइएगा, घर के सारे लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।